हाँ जी नमस्कार भव्य एंड हर्षो व्लॉग्स में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको पालक की कढ़ी बनाना बताएंगे, तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं आज पालक की कढ़ी। पालक वाली कढ़ी बनाने के लिए मैंने हींग लिया है, कढ़ी पत्ते की पत्तियां ली हैं मैंने, मेथी दाना लिया है, थोड़ा सा साबुत धनिया लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने और थोड़े से काली मिर्च लिए हैं मैंने। मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन लिया है। मैंने पालक को छाट कर धो लिया है और बारीक काट लिया है। और ये देखिए, मैंने 2 कप लस्सी में 1 कप बेसन डाला है और मिक्सचर को मैंने मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो आगे हमारी वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। सबसे पहले तेल डालेंगे, ये सारे खड़े मसाले जो हैं हम तेल गर्म होने पर जो है इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से तड़क रहा है हमारा ये खड़े मसाले। अब हम इसमें जो है बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन की 2-4 कलियां और हरी मिर्च डालेंगे। देखिए हमारा जो है मसाला पककर रेडी हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं। और अच्छे से पक गया, अब इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे स्वादानुसार। ये देखिए हमारा पालक पककर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसमें बेसन का जो घोल बनाया था वो डालेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी जो है पकनी तैयार हो रखी है और हल्का हल्का इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरह से, कम से कम कढ़ी को धीमी आंच पर 1 घंटा हम पकाएंगे। ये देखिए धीमी आंच पर जो है उबाल आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए हमारी कढ़ी जो है पक के तैयार हो रही है, इसको और पकाएंगे। ये देखिए हमारी जो है कढ़ी पककर तैयार हो रही है और अभी इसको 1 घंटा नहीं हुआ, 1 घंटे के लिए हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, इसे अब हमने सर्व कर दिया है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।